और हम सब लोग डिंपल के लिए यहाँ पर जिताने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं और आज के बाद हम सब लोग बहुत ही मेहनत भी करेंगे और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आप सब लोगों को बुलाया है। वैसे तो मेहनत आप लोग कर ही रहे हैं और जिताएंगे भी हैं और हमें भरोसा है कि आपका ये पुराना रिकॉर्ड और तो कोई तोड़ नहीं सकता है, और कोई तो तोड़ नहीं सकता है। 1,06,000 की एक साल पहले जब उपचुनाव हुआ था तब आपने जीत कराई थी और उससे पहले हम लगभग 92,000 से विधानसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने जिताया था और आप हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप सब लोगों ने वो जो हमारा 92,000 का रिकॉर्ड को यहाँ से तोड़ नहीं सकता था वो आपकी मेहनत से, जितने यहाँ बैठे हैं हमारे सामने बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ कमेटी के सदस्यों से लेकर और यहाँ जितने भी हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं उनकी मेहनत थी और हमें विश्वास है कि 7 मई के चुनाव में आप सब लोग उतने से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और इसलिए भी मेहनत करना पड़ेगी। अभी बहुत काम का वक्त है, किसानों का काम का वक्त है और गर्मी भी है, बहुत गर्मी भी है और शायद आप लोगों को अब इतनी गर्मी लग नहीं रही होगी, इसलिए नहीं लग रही होगी, हमको भी नहीं लग रही गर्मी, इसलिए नहीं लग रही। 1 महीने से हम लोग गर्मी में ही टहल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और मीटिंगें भी कर रहे हैं तो हमें भरोसा है कि, और किसान को तो वैसे भी गर्मी नहीं बेचारों को लगती है क्योंकि वो गर्मी में भी काम करते हैं, सर्दी में भी काम करते हैं और बरसात में भी काम करते हैं और यहाँ जितने लोग सामने बैठे हैं किसानी हैं या किसान के बेटे हैं तो इसलिए आप लोग बहुत मजबूत भी हैं, हम जानते हैं कि बहुत मजबूत भी हैं और आपका इरादा भी बहुत मजबूत है ये भी हम जानते हैं। तो भाषण तो बहुत कुछ हो चुके हैं लेकिन हम बहुत देर आपको नहीं बैठा लेंगे, केवल हम दो चार बातें करेंगे और इसलिए करेंगे। अभी देश संकट में है और देश को संकट भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है।